क्या जीवन के कठिन सवालों का हल एक प्राचीन किताब में हो सकता है? सुषमा स्वराज जी ने गीता दिवस पर दिए अपने इस जोरदार भाषण में भगवद गीता के जीवन के लिए जरूरी संदेश को सामने रखा है। उनका यह संदेश आपके दिल को छू जाएगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। इस जोरदार भाषण को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इतने महान संतों की उपस्थिति में मैं गीता पर प्रवचन करूं, ये मेरी धृष्टता होगी और ये धृष्टता मैं करना नहीं चाहूंगी। लेकिन गीता के अनुरूप जीवन जीने के कारण जो मेरे अनुभव हुए हैं उन्हें मैं ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहूँगी और मुझे लगता है कि वही आज के लिए प्रासंगिक भी होगा। बंधुओं और बहनों, मैंने बहुत छोटेपन में गीता का अध्ययन करना शुरू किया था। श्लोक पर श्लोक पढ़ती जाती थी और उसके साथ प्रश्न पर प्रश्न उभरते जाते थे। पूरी गीता पढ़ डाली लेकिन अनेक प्रश्न सामने ऐसे आए जिनका समाधान नहीं हो सका। पुनः पढ़ने का सिलसिला प्रारंभ किया, कुछ एक प्रश्न उनका समाधान हुआ लेकिन फिर भी बहुत से प्रश्न अनुत्तरित रह गए। फिर तीसरी बार पढ़ने का सिलसिला शुरू किया तो धीरे धीरे समाधान उभरने लगे। और आम तौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं गीता पढ़ने वालों के द्वारा, वही प्रश्न मेरे मन में उभरते थे। एक तो ये कि कर्म करो फल की इच्छा मत कर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप काम करें और फल ईश्वर के अधीन छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? या गीता सार कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मेरे सामने घट रही है एक चीज जो मेरे मन को अच्छी नहीं लग रही, हो भी नहीं रही अच्छी, मैं कैसे मानूं जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ? लेकिन सच मानिए, जब चौथी बार पढ़ना शुरू किया और उसके अनुरूप जीवन जीना शुरू किया तो समाधान अपने आप आकर खड़े हो गए। पहले एक छात्रा के नाते जब पर्चा देने जाती थी परीक्षा में, तो पूरे सिलेबस को पढ़े बिना कभी आधा कभी तीन चौथाई पढ़ लिया तो परीक्षा हॉल तक जाते जाते एक ही बेचैनी, हे भगवान ये करना जितना पढ़ा है उसी में से आए, उसमें से ना आ जाए जो रह गया, ये बेचैनी मन में उभरती रहती थी। लेकिन जब एक बार पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मुकम्मल तैयार करके गई तो जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ मुंह से अपने आप निकला, प्रभु मुझसे जो होना था मैंने तो कर दिया, अब फल तेरे अधीन है। तब मुझे लगा कि ये मुश्किल नहीं है, सवाल ये है कि हम कर्म अधूरा करते हैं और उसके बाद फल की इच्छा करते हैं। लेकिन अगर हम अपना कर्म पूरा कर लें तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से ये भाव उत्पन्न होगा कि मेरे से जो अपेक्षित था मैंने कर लिया, कुछ भी छोड़ा नहीं, अब फल तेरे अधीन है। इसी तरह जो दूसरा प्रश्न बार बार उठता है, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे बहुत कष्ट दिया, बहुत ज्यादा कष्ट दिया, लेकिन मात्र 3 महीने बाद उसी घटना ने मेरी जिंदगी का दौर बदल दिया और मैं कह सकती हूं कि आज मैं जहां पहुंची हूं, अगर वो घटना नहीं घटती तो मैं आज नहीं पहुंचती। तो 3 महीने बाद ही मेरे मुंह से निकला, मैं जिसके बारे में इतना दुखी हो रही थी, ठीक तो कहते हैं कृष्ण जो हुआ अच्छा हुआ, उस समय जो हुआ वो अच्छा हुआ। ऐसी बीसियों घटनाएं जिंदगी में घटी और उसके बाद ये कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल भूतिमा मा तो संगो वस्त्व कर्मणि, ये एक तरफ रह गया और एक श्लोक सामने आ गया, 18वें अध्याय का वो श्लोक
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि मा शुचम्। तू सब धर्म को त्याग कर मुझे अकेले के शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मुझे लगा श्री कृष्ण माँ के रूप में सामने खड़े हैं और बाहें फैलाकर कह रहे हैं, हो गए बहुत तर्क कुतर्क, आ मेरी गोदी में बैठ, मैं तुझे चिपटा लूंगी और तेरे सारे संशयों का नाश हो जाएगा। और वो दिन था मित्रों जब पूर्ण समर्पण भाव मन में जगा और अपने तमाम तर्कों को, अपने तमाम संदेहों को, अपने तमाम संशयों को कृष्ण के चरणों में मैंने समर्पित कर दिया। और उसके बाद एक नई व्याख्या उभरी। उस पूर्ण समर्पण के बाद जीवन के दो तत्व बने मेरे, एक तत्व कृष्ण कृपा और दूसरा तत्व कृष्ण इच्छा। मैंने कहा कि जीवन में दो ही चीजें तो घटती हैं, या मन के अनुकूल या मन के प्रतिकूल। कोई चीज जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाती है तो आपको लगता है कि जो चाहते थे वो हो गया, मन के अनुकूल परिणाम आ गया। लेकिन जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता या कुछ और उसके विपरीत घट जाता है तो घटना मन के प्रतिकूल कहलाई जाती है। तो मेरे जीवन का तत्व बना कि जब भी कुछ मन के अनुकूल घटेगा तो मैं उसे कृष्ण कृपा मानकर प्रसाद की तरह ग्रहण करूंगी, और जब भी कुछ मन के प्रतिकूल घटेगा तो उसे कृष्ण इच्छा करके स्वीकार करूंगी। और इन दो तत्वों ने मेरी जिंदगी बदल दी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जब बड़े से बड़े पद और ओहदे को कृष्ण कृपा मानकर प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं तो आपको अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो आपका अर्जित किया हुआ नहीं है, उसकी कृपा के द्वारा दिया गया है। और जब आप किसी प्रतिकूल परिस्थिति को कृष्ण इच्छा कहकर स्वीकार करते हैं तो आप विचलित नहीं होते। इसलिए कृष्ण कृपा का भाव अहंकार नहीं आने देता मुझ में, और कृष्ण इच्छा का भाव विचलित नहीं होने देता मुझे। और यही कारण है कि इतने इतने तनावों से गुजरना पड़ता है इस जिंदगी में, खास तौर पर जो विभाग इस समय संभाल रही हूं, पूरे विश्व की चुनौतियां सामने आती हैं, तरह तरह की कष्ट सामने आते हैं, लेकिन इस कृष्ण कृपा और कृष्ण इच्छा के बीच झूलती हुई पूरी जिंदगी को तनाव मुक्त होकर के जी रही हूं। इसलिए आपको एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत बार लोग ये सोचते हैं गीता रामायण महाभारत भागवत ये तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीजें हैं, लेकिन जब वो बुढ़ापे में गीता खोलते हैं तो कहते हैं काश हमने ये जिंदगी के युवावस्था में पढ़ी होती, तो जिन चीजों का सामना हमने अपने तरीके से किया और आज यहाँ पहुंचे, उसकी बजाय अगर हम गीता के रास्ते चलकर अपनी जिंदगी जिए हुए होते तो हमें कष्ट नहीं होता और आज हम कहीं के कहीं होते। इसलिए ये गलती मत करना, गीता को बुढ़ापे के लिए छोड़ने की चीज नहीं है। गीता वो है जो आज पढ़नी है, जो आपको जीवन के जीने का रास्ता देगी, आपका माध्यम बनेगी। और खास तौर पर आज का दिन जिस समय लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, इतने तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती जा रही है, केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। आज एक अखबार में पहली फोटो है इंडियन एक्सप्रेस में एक डिप्रेस आदमी की, 445 किलो वजन, 40 वर्ष की उम्र और 445 किलो वजन, क्योंकि डिप्रेशन को दूर करने का काम लोगों ने चॉकलेट खाना समझ रखा है। चॉकलेट खाओ तो डिप्रेस नहीं होगे, या गोलियां खाकर लोग अपना डिप्रेशन दूर करते हैं, दवाइयां लेकर डिप्रेशन दूर करते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता है। मैं तो कहना चाहूंगी हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे जो मनोविज्ञान के डॉक्टर्स हैं, वो स्वयं गीता पढ़ें, और जब पेशेंट उनके पास काउंसलिंग के लिए आता है तो काउंसलिंग उसके अनुसार करें। इतना भव्य भाव आएगा आपके अंदर, सारे तर्क खत्म हो जाएंगे, सारे संशय और सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे और जीवन जीने का राह मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे बताते हुए खुशी है
कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवत गीता भेंट करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। एक औपचारिक घोषणा बाकी है लेकिन सम्मान पहले ही मिल गया। और यहाँ हमारे योग गुरु बैठे हैं, संन्यास के बाद इन्होंने सारे संबंध तोड़ दिए लेकिन मैंने संबंध बना के रखा है, मैं आज भी उन्हें भाई कहती हूँ। मेरा और स्वामी रामदेव जी के गांव में केवल 15 किलोमीटर का अंतर है लेकिन रिश्ते ने वो फासला भी मिटा दिया है। कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आज से केवल 3 महीने पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि भारत का योग विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। आज मुझे यहाँ खड़े होकर आपको बताते हुए खुशी है 170 देशों का समर्थन हमें इस प्रस्ताव के लिए मिल चुका है और आज से 4 दिन बाद 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया जाएगा। तो जिस तरह भारत का योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि भारत का योग एक जीव और ब्रह्म की जुड़ने का एक माध्यम है, उसी तरह से भारत का ये ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जीवन जीने का, सुख से जीने का, तनाव मुक्त होकर जीने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जैसे मैंने कहा कि एक संपूर्ण समर्पण भाव मन में उभरा था उसी दिन स्वामी हरिदास जी का जो मंत्र है जिसकी आखिरी पंक्ति है कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने, कृष्ण के बिना किसी भी और तत्व को मैं नहीं जानती, यही सोचकर मैं अपना जीवन जी रही हूँ। और जब स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से पता चला कि उन्होंने तो जियो गीता को एक अभियान के तौर पर चला दिया तो मुझे लगा कि मानवता के प्रति इससे ज़्यादा सुंदर अभियान दूसरा नहीं हो सकता। महाराज मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदित करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ कि इस समय हिंसा की राह पर चल रहे विश्व को और तनावों से युक्त मानवता को अगर कोई अभियान निजात दिला पाएगा तो वो जियो गीता होगा। और आज के दिन से आपसे कहना चाहती हूँ कि गीता के 2 श्लोक प्रतिदिन पढ़ना शुरू करिए, 2 श्लोक। 700 श्लोकों का ग्रंथ है ये, 1 वर्ष से पहले समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर पढ़िए। ये सिलसिला अंत तक जारी रखिए, 3री या 4थी बार पढ़ने के बाद आपको वैसे ही राह मिल जाएगी जीवन जीने की जैसे मुझे मिली है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं केवल उन अनुभवों को आपके साथ साझा करूं जिन्होंने मुझे मार्ग दिखाया है, वही गीता आप सबको भी मार्ग दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय।